जय श्री केदार। स्वागत है एक और नए अपडेट के साथ आप सभी का डिवाइन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है आज 11 मई 2023 का। दोस्तों, बाबा केदार की यात्रा जो है वो इस समय सुचारू चल रही है, प्रॉपर चल रही है, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है। और हालांकि मौसम ऊपर ख़राब चल रहा है, रोज़ाना दोपहर के बाद मौसम ख़राब देखने को मिलता है केदारनाथ में, लेकिन उसके बावजूद जो है यात्रा प्रॉपर है, शासन प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। और ट्रैक बंद होता है किसी कारण से तो उसको जो है तुरंत खोल लिया जाता है। लंबे समय के लिए यात्रा अभी नहीं रुक रही है, तो काफ़ी जो है उत्साह इस बार की यात्रा में लोगों का। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप 20 साल यात्रा करें, क्या यात्रा रजिस्ट्रेशन बनवाना होगा और कब तक यात्रा रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन नहीं बन पाएंगे और यात्रा रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं, ये सारी जानकारियां देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बाबा केदारनाथ यात्रा रिलेटेड अपडेट आप लोगों को मिलते रहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा केदारनाथ यात्रा के लिए जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है वो 17 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 17 मई तक कोई भी भक्त जो है वो यात्रा रजिस्ट्रेशन अपना ऑनलाइन नहीं कर पाएगा। जो भक्त ऑनलाइन अगर नहीं कर पा रहे हैं और ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है, वो हरिद्वार और ऋषिकेश में आ सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में जो है भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन दिए जाते हैं और आप आगे यात्रा में जा सकते हैं। तो जिनका भी यात्रा रजिस्ट्रेशन है वही हरिद्वार ऋषिकेश से आगे जाइएगा, क्योंकि रास्ते के पड़ाव पर यात्रियों को रोक दिया जाता है और आगे जाने नहीं दिया जाता है। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, बनवा के आइएगा। ऑनलाइन 17 मई तक बंद कर दिए गए हैं, ऑफलाइन आप बनवा के यात्रा में आ सकते हैं। और अब हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो हेलीकॉप्टर रेगुलर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा जो है आप आसानी से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट इस साल आप 5500 रुपये फाटा से है और 7700 रुपये आपका गुप्तकाशी से इस बार हेलीकॉप्टर का किराया है। और इसके लिए बुकिंग ऑनलाइन होती हैं, ऑफलाइन भी मिलती हैं। ऑफलाइन फाटा में इनका ऑथराइज्ड जो है टिकट काउंटर बना है, वहाँ भीड़ को देखते हुए भीड़ के अनुसार जो है ये जो टिकट मिलते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 7 दिन पहले आपको बुक करना होता है हेलीकॉप्टर का टिकट, और आप आसानी से ऑनलाइन भी बुक कर पाते हैं बगैर किसी फ्रॉड के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय केदारनाथ यात्रा में काफ़ी भीड़ चल रही है, रोज़ाना के 20,000 यात्री केदारनाथ यात्रा में आ रहे हैं। अगर आप भी यात्रा में आना चाहते हैं तो अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर बनवा के आइएगा, बगैर यात्रा रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी यात्री इस समय केदारनाथ जी आ रहे हैं तो वो ठंड के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेके आएँ और रेनकोट छतरी जरूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ अक्सर बारिश और स्नोफॉल देखा जा रहा है। तो ठंड के कपड़े और रेनकोट छतरी, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ अपने साथ यात्रा में ज़रूर रखें, क्योंकि पैदल ट्रैक करते वक्त जो है यात्री काफ़ी थक जाते हैं और पसीना आने की वजह से शरीर गर्म हो जाता है, और रास्ते में थकावट की वजह से पानी पीने से जो है शरीर का तापमान ख़राब हो जाता है और फीवर बुखार यात्रियों को देखने को बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या आती है। तो अपनी मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखें। और जो भी सीनियर सिटीज़न हैं जिनकी भी आयु 60 या 65 वर्ष से ज़्यादा है, तो वो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें ऊपर केदारनाथ यात्रा में। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है और अपने लिए गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ साथ लेके जाएं, तभी आप यात्रा जो है आसानी से कर पाएंगे। और यात्रा प्रॉपर चल रही है, 2.25 लाख यात्री जो है बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं अभी कपाट खुलने से अभी तक। तो आप भी आ सकते हैं, यात्रा प्रॉपर चल रही है इस साल। कोई भी जानकारी चाहते हैं यात्रा रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। 100 रुपीज़ आपको मेंबरशिप लेना होता है और आप फ़ोन के माध्यम से भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं यात्रा रिलेटेड। तो कैसा लगा ये व्लॉग, ये अपडेट, कमेंट जरूर करना। फिर मिलता हूँ ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।